What is he? What do you mean by u? Distance of object. Distance of object. अभी रुके रहना, परेशान मत होना. Distance of object. इसका नाम है distance of image. इसका नाम है focal length. क्या नाम है? Focal length. HO का मतलब height of object. क्या बेटा ये? Height of object. Height of object. HE का मतलब क्या है? Sorry, HI का मतलब क्या है? Height of image. And the last one is magnification. Magnification. अब देखना मजा आने वाला है. आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा, आप सबसे पहले बिफोर इवन रीडिंग द क्वेश्चन, अगर आपको ये पता चल गया कि वो लाइट का क्वेश्चन है, तो आप पहले लिखेंगे यू वी एफ एच ओ एच आई एम. हर बार यू वी एफ एच आई एच ओ एच एम, ये आप तुरंत लिखेंगे, आप इसमें सोचेंगे नहीं. ठीक है भाई साहब, कोई भी क्वेश्चन आया पहले क्या लिखोगे? यू वी एफ एच आई एच ओ एंड एम. कई बार रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा तो उसे आर भी लिख देंगे. बाय एनी चांस अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहता है तो उसे हम आर भी लिख देंगे. ध्यान दीजिएगा, ये सारे फॉर्मूलों में ऑल दीज आर टू बी केप्ट विद साइन. टू बी केप्ट विद साइन, साइन के साथ. अब ये साइन क्या है इसके लिए हम पढ़ेंगे. साइन क्या है इसके लिए हम अच्छे से पढ़ेंगे. छाप लिया है बोर्ड पर जो लिखा है, प्लीज साथ साथ छापिए, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने हैं, तो आप प्लीज डिले मत कीजिए. ठीक है, तो आपको लिखना ही है यू वी एफ एच ओ एच आई और एम. और बेटा तुम्हें पता होना चाहिए यू क्या है, वी क्या है, एम एफ क्या है, एच ओ क्या है, एच आई क्या है और एम क्या है. एंड यहाँ पे मजा बहुत आएगा, क्योंकि अगर आपने स्कूल में सच में न्यूमेरिकल कराए गए और आपको समझ नहीं आया, तो कारण ये था कि अगर फॉर्मूला दे दिया जाए और बोलेगा बच्चे बोला भैया आप फॉर्मूला दे दिया गया है सॉल्व कर लियो, नहीं होगा सॉल्व. यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट अंटिल अनलेस यू नो ये यू वी एफ एच आई एच ओ एम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, को लिखना कैसे है, वो मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में. सब ने छाप लिया? Yes, फॉर्मूला याद हो गए? नहीं टाइम इतना, जल्दी करो. यहां पे ये भी याद रखिएगा, ये जो डिस्टेंस बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? डिस्टेंस. लेकिन ये बेसिकली डिस्टेंस मेजर करने का एक तरीका है, हम सीखते हैं अभी. ठीक है, अब होता क्या है, हटाऊं? अब होता क्या है, मान लीजिए मिरर फॉर्मूला को और डिटेल में समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉनकेव मिरर. क्या लेते हैं? कॉनकेव मिरर. तो कहानी पता है आपको, ये क्या बनाया मैंने, ये क्या बनाया मैंने, अब क्या हो गया, फिर अगला क्या लिखता हूं मैं, आवाज के साथ, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, और ये कौन है, ऑब्जेक्ट के पास क्या होनी चाहिए, टोपी. क्या होनी चाहिए? टोपी. फंडा क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं, प्लीज मार्क द वेरिएबल्स. कौन कौन से वेरिएबल हैं? यू वी एच एफ एच आई एच ओ एच आई एच ओ एच आई एंड एम. ध्यान सुनना, इनमें से कुछ वैल्यूज आपको बाय दी गिवन स्टेटमेंट्स निकालनी होंगी, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि ये वैल्यू साइन के साथ रखनी है. क्या रखनी है? साइन के साथ. तो ट्रिक समझिए, देखिए ध्यान से, ये मैं ट्रिक लिखवा भी दूंगा लेकिन समझिए ध्यान से. पहले मैंने आपसे कहा कि जहां पोल है वहां पर बनाओ एक वाई एक्सिस. क्या बनाओ? और उसी पॉइंट पर आप जहां प्रिंसिपल एक्सिस वहां क्या बनाओ? एक्स एक्सिस. फंडा क्लियर? प्लीज डोंट मेक दिस इन एग्जाम्स. ये समझाने के लिए समझा रहा हूं मैं आपको कि कैसे करना है. जहां पर पोल है वो मेरा ओरिजिन कहलाएगा. क्या कहलाएगा? ओरिजिन. क्या है जी? ओरिजिन. ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग. बोलो यस. ऑल दी डिस्टेंसेस विच आर गिवेन, नॉट विच आर टू बी कैलकुलेटेड, विच आर गिवेन टू बी ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल. क्या लिखा आपने? ऑल स्टार लगा के लिखा, इंपॉर्टेंट है. ऑल दी डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. फ्रॉम द पोल. बोलो सारे मेजरमेंट किससे करने हैं? पोल से करने हैं. किसे करने हैं? पोल से.
और मेजरमेंट करने के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट इजाद किया है। देखिए कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा खुद का बनाया गया इंस्ट्रूमेंट है जो कभी गलत नहीं करता। इंस्ट्रूमेंट है एक एरो, क्या है इंस्ट्रूमेंट, एक एरो, बट एरो के पीछे क्या लगा हुआ, एक खूंटा, गोला, किसी गले में पहनाना उस गोले को तो पहना सकते। दिस इज अ गाय भैंस बांधी जाती हैं खूंटे से, तो ये वो खूंटा लगाने के लिए, वो उस एरो का क्या है, जिस पॉइंट पर आई कैन फिक्स द एरो एट दिस खूंटा गोल, फंडा क्लियर। हमने कहा भाई एटा जरा बताना फोकस की डिस्टेंस कितनी है, हमने ओके लेट्स मेजर द फोकस डिस्टेंस। तो भैया जी क्या किया, खूंटा लगाया, भैया फर्जी वाला ओरिजिन, खूंटा लगाया, खूंटा बोलो जी, और खूंटा लगाया और कहां तक ले गए, पर गोला लगाना भूलना दिमाग में, वहां एग्जाम में लिख देना गोला और खूंटा, अंडा मिल जाएगा। तो क्या ये एरो की लेंथ बताएगी कि फोकल लेंथ कितना है? तो ये कहलाता है एफ, क्या कहलाता है, फोकल लेंथ, बोलो यस। हमने कहा जरा बताना ऑब्जेक्ट कैसे मेजर करोगे बेटा, हमने कहा ऑब्जेक्ट कोई दिक्कत नहीं, अब खूंटा यहां लगा नहीं पाओगे, थोड़ा नीचे लगा लो, लाइन से ही तो मेजर करना है, तो यहां लगा लो खूंटा। और भाई साहब अच्छा ऑब्जेक्ट भैया जी तुम यहां हो, ओके ओके ओके, गोला मत बनाना भूलना दिमाग में, और ये क्या है, यू एच हो गया, यू इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड फ्रॉम द पोल, कहां से मेजर करनी है, सब यहां ध्यान दीजिए। अगर अब मैं इसके बाद पूछूंगा और बता नहीं पाएंगे तो बहुत गालियां बकूंगा मैं, इतना याद रखिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक यू विल एवर स्टडी इन फिजिक्स, लेट मी टेल यू। लेकिन क्या तुम्हें पढ़ने के बाद लगेगा डिफिकल्ट, वो तुम बताना, ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल 4 नंबर का गारंटीड आएगा आपके बोर्ड में, गारंटीड। लेकिन आप तभी कर पाओगे जब आप एक खूंटा लगाना सीखोगे, लगाना आ गया खूंटा सबको। हमने कहा अच्छा इमेज कहाँ बनेगी, बोले भैया जी हमको आता है, हमने सीखा था बचपन में, वैसे तो हमें सबको सिखा रखा है आपने ऐसे एक एरो लेने का, याद आ रहा है, कहाँ से पास होगी, आहा अबे क्या हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर कहाँ से, एक एरो से काम चलेगा, एक एरो और चाहिए, कौन सी यूज़ करोगे, चलो भैया जी फोकस वाली आ गई, अच्छा जी और फिर कहाँ तक जाएगी, पैल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बोलना पड़ेगा, जहां वो मिलेंगी वहां कौन, जहां वो मिलेंगी वहां कौन, कहां मिली, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच में मिलनी चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सीओसी होता है तो इमेज कहां बनती है, ये किसकी इमेज है, सर की, गुड, हेड की इमेज है, तो हेड यहां उल्टा बनेगा, हमें एलियो बना दिया, लेट्स मेक द हेड उल्टा होगी, ये हमारी प्यारी प्यारी क्या है, इमेज, ये आपको रे डायग्राम से निकालनी आती है, हमको फॉर्मूले से निकालनी आनी है, हमको अगर यू दिया हो, हमको अगर एफ दिया हो तो फॉर्मूले में रख करके हम वी निकाल सकते हैं ना, और जो निकालना है उसको साइन के साथ रखना नहीं है जरूरी, जो दिया हो केवल उसी को साइन के साथ रखना है, जो निकालना है वो साइन के साथ आएगा, जो निकालना है वो साइन के साथ, दैट विल कम एज एन आउटकम। तो जो चीज अननोन हो उसे साइन के साथ कभी नहीं रखना, यानी बाय डिफॉल्ट उसे पॉजिटिव रखना है। जब आप किसी चीज को साइन के बिना रखते हो तो क्या रखते हो, प्लस, बोलो यस। हमने कहा चलो ठीक है, बकवास हो गई, हमने कहा चलो अरे क्या कर रहा हूं, हाँ भाई अगर मैं आपसे पूछूं चलो रे डायग्राम बनाया तो वी मार्क कैसे करेंगे, अब जरूरी सर जी तेरा नाम भूल जाता यार, अबे तेरा नाम तो याद है, तेरा बता भाई, जसकीरत के आगे सर्वज्ञ, बता सर्वज्ञ कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग खूंटास टू गेट दी लोकेशन ऑफ इमेज, कहाँ रखूँ, एरो कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से यहाँ या पोल से, यानी यहाँ नीचे तू चलेगा, नहीं चलेगा, अच्छा ठीक है मैडम, अगर यहाँ रखेगी ना तो बड़ा गिचपिट हो जाएगा, बात सच है, लेकिन यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो बात तो डिस्टेंस की है ना, फील करो यार, ऑब्वियसली वहाँ गंदा लगेगा इसलिए मैं नीचे बना रहा हूँ समझाने के लिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या बराबर होंगी कि नहीं होंगी, तो ये क्या है, V, क्या है, सबको यू वी एफ समझ में आया, हमने कहा वो रह गया, कौन रह गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को और हाइट ऑफ इमेज को आर नॉट मेजर्ड फ्रॉम पोल। अभी पता चला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वही ये हो गई, ये नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज आर मेजर्ड फ्रॉम। तो भैया जी एच ओ एंड एच आई आर मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो एरो मारने की जरूरत नहीं है, उसे तुम्हें आइडिया है। क्या ये एच ओ हो जाएगा बोलो? क्या ये एच आई हो जाएगा बताने के लिए? भैया यार क्या डरा रहा हूँ बच्चों में फालतू में। ये एच ओ लिख दो, कहे मर रहे हो, ये एच ओ हो गया, एक और एरो बन गया, बचला आंखें बाहर हो गई बच्चे की, और ये एच आई हो गया। वहाँ एरो मत बनाइए, कन्फ्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूजन। बाद में मैडम पूछेगी ऑब्जेक्ट कौन सा है, बट ये सब आपके दिमाग के लिए बनाना है। क्या समझ में आया? यू क्या है, वी क्या है, एच ओ क्या है, एच आई क्या है, एफ क्या है, एम नहीं आएगा, एम को यहाँ दिखा नहीं सकते, एम तो फॉर्मूले में आता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ आवाज। तो भैया डायग्राम समझ में आया? बहुत गंदा बनाया मैंने जानबूझ के, आप भी बनाइए गंदा, फुल गंदा डायग्राम बनाइए। और खूंटा कहाँ लगाना है? अरे एक मिनट, खूंटा लगा लिया, एफ लिख लिया, यू लिख लिया, दो ही लिखने पड़ेंगे हर बार। ये थोड़ा ना एफ भी दिया है, यू भी दिया है, वी भी दिया है, तो फॉर्मूला किस लिए है? दोनों में से एक ही दिया होगा, कभी एफ दिया होगा, कभी यू दिया होगा, कभी यू दिया होगा, कभी वी दिया होगा, तीनों दिए नहीं होंगे, तीनों दिए नहीं होंगे। अवर प्राइम वेरिएबल्स आर, सुनिए ध्यान से, आउट ऑफ दीज थ्री आपको दो दिए होंगे प्राइम वेरिएबल, या तो इन तीनों में से एक दिया होगा तो एम दिया होगा, वो हम न्यूमेरिकल में करेंगे प्रैक्टिस। छाप लिया है, बनाइए मस्त, बनाइए पूरे एरो बनाइए, खूंटे का पूरा सम्मान रखिए प्लीज। गंदे लग रहा है एरो इतने सारे, लेकिन अगर आपने कनेक्टिविटी रखी है जब मैं पढ़ा रहा था तब गंदा नहीं लगेगा। अपने डायग्राम में खुद मार्क करिए, मेरी तरफ मत देखिए, यहां मत देखिए, सारे मार्क करना है। यू वी, यू वी, एफ, एच ओ एन, एच आई, एम को मार्क करना पॉसिबल नहीं है। ना ना ना, कोई कार्टिजन प्लेन नहीं माना, कोई एरो नहीं माना, गोला तो बनाना ही नहीं एग्जाम में, वो तेरे को सिखाने के लिए कर रहा भाई। पर चला साले वहां गए, पर एक कार्टिजन प्लेन ही बना दिया, काम है खत्म हो गया, जिंदगी बर्बाद। क्यों सिखा रहा हूं वो बोल, मैं बताऊंगा ना, अभी ये आधी नॉलेज है, आधी अभी आने वाली है, ठीक है? ध्यान दे सब लोग, ये कार्टिजन प्लेन काहे बनवाया? सुनिए मैं पूछूंगा एलिना से, एलिना बेटा अगर ये ओरिजिन है तो इधर जब डिस्टेंस मेजर करोगे तो क्या होगा? अगर ये ओरिजिन है और किसी को इधर की तरफ मेजर करोगे तो प्लस होगा कि माइनस? सबको आता है ना, माइनस एक्स, प्लस एक्स, प्लस वाई, माइनस वाई, नहीं आई? सबको आई? सबको याद भी है? अब सुन बेटा ध्यान से, हमने कहा बेटा एरो बताएगा किधर मेजर कर रहे हो, एरो बोल रहा मैं उधर जा रहा हूं, उधर, उधर मतलब नेगेटिव। तो इफ द क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर, रुक जा पहले, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी, ऊपर ही रहने वाला है। अब कोई पगला क्वेश्चन बना दे मेरी तरह कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इनवर्टेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो एच ओ क्या है? तब वो निगेटिव होगा। मैंने शुरुआत नहीं बोला ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं है, मेरी मर्जी, मैं नीचे रख दूँ तो कभी नहीं पूछा जाएगा नीचे रख के, कभी नहीं पूछा जाएगा। बट क्या तुम्हें आइडिया क्लियर होना चाहिए कि अगर नीचे की तरफ है तो निगेटिव होगा, वाई निगेटिव होता है भाई साहब, और ऊपर की तरफ तो क्या होगा? फिर से बोल रहा हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ, नाउ डिस्टेंस ऑफ, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इप्सा, क्या दे रहा हूं मैं, यू दे रहा हूं कि वी? यस यू, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यू दे रहा हूं, और ऑब्जेक्ट क्या हमेशा इधर ही होगा? मिरर के अंदर घुस जाओ, पॉसिबल है? क्या तुम मिरर के अंदर घुस सकते हो? ऑब्जेक्ट नहीं घुस सकता, इमेज घुस सकती भाई साहब। तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा होगा? तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। आ गया? yes, नहीं आया? सबको आया? yes, कोई दिक्कत तो नहीं है? no, दिक्कत है बहुत बड़ी वाली, सुनो सुनो जरा, मरो मरो मत, अब मैं पागल हो जाऊं, मैं पागल हो गया, सुनो ध्यान से। मैंने कहा ले भाई आज से मिरर कहां है? अबे पहले रुक जा, बच्चा डर जाए।
अब रुक जाओ, पहले यहां तक सीखने दो, फिर मैं तुमको वेरिएशन बताता हूं क्या खतरनाक वेरिएशन आ सकता है। हमने सीखा भाई इधर है तो नेगेटिव, इधर है तो ऊपर है तो नीचे है तो negative. हमने कहा भाई एफ बताओ फोकल लेंथ, नेगेटिव की पॉजिटिव। हमने कहा नहीं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, किधर होगा फोकस, इधर होगा फोकस, इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोलो यस। एरो कहाँ, फोकल लेंथ को मेजर कैसे करोगे, गोला फ्रॉम पोल, गोला मेकिंग इट लाइक हेयर, बोलो यस। बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव, समझ में आया yes, क्या हम ये बोल सकते हैं, कॉनकेव तेरा फोकल हमेशा नेगेटिव, कॉनवेक्स तेरा फोकल हमेशा पॉजिटिव, यू हमेशा नेगेटिव। दसवीं क्लास तक यू हमेशा नेगेटिव, पहले मैं क्लियर कर देता हूं, दसवीं क्लास के बोर्ड एग्जाम तक यू हमेशा नेगेटिव, पक्की बात है, है? कोई ना भाई कहां ले आओगे, मिरर के अंदर रखी, ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर रखा ना पॉसिबल। अब ये इधर किधर है मिरर, मिरर अंदर है तो वहां रख ही नहीं पाओगे, रखोगे तो यहीं पर भाई साहब। तो मैं ऐसे लिखवाता हूं, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन दी लेफ्ट ऑफ साइड ऑफ द मिरर, अभी लिखवाऊंगा, लेकिन लिखवाने की जरूरत क्या है मुझे यार, अगर तुमने ये पूरा फील कर लिया तो तुम अपने आप याद रख पाओगे, यू वी एफ एच आई एच ओ पता करना है, बोलो यस। अबे एच आई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ क्या हमेशा पॉजिटिव होगा, 99.99% केसेस में, जस कीरा थापड़ देंगे तुम बहुत तेज, 99.99% केसेस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी 0.01 देखेंगे साल के बाद, अभी बोर्ड बोर्ड खेल लेते हैं थोड़ा सा, कितना होगा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, फंडा क्लियर। मैं पागल होके बोलो नहीं वो उल्टा रखा है, तब बच्चों को मुझे पता होना चाहिए कि हाँ भाई नीचे रखा है तो इसका मतलब क्या है नेगेटिव, लेकिन 99.9999% केसेस में इट विल ऑलवेज बी हाइट ऑफ इमेज विल ऑलवेज बी, बोल मत देना ऐसे नेगेटिव। अब सोचो ना, मैं देखता हूं कौन मुझे कंप्लीट कर पाता है, अ रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड, मतलब नीचे, मतलब एचआई हमेशा नहीं आया, यानी अगर रियल इमेज हुई तो एचआई हमेशा क्या आएगा, जो चीज आपको सिखाई गई हो यहां लिखी हुई, शायद इसके बाद लिखी होगी कहीं ना कहीं लिखी होगी ये, अब यहां पर थोड़ा सा हाई लेवल कर दिया गया, परेशान मत होना, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है मेजर कैसे किया जाता है, हमने सिखा दिया इधर ही रखेंगे तो नेगेटिव है इधर तो पॉजिटिव है, लेकिन नहीं ऐसे करेंगे, हमने कर ले मजा आने वाला है, ये मेरा क्या, ये मेरा कौन, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स ये कौन है, हमने कहा ले बेटा फोकल लेंथ किधर, इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर, इधर, ऑब्जेक्ट किधर, इधर, बोल बेटा। अब बताओ, अब मैं पूछूंगा ये यू है ना पॉजिटिव कि नेगेटिव, जो सिखाया उसके साथ पॉजिटिव है कि नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट इन फैशन, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखते हैं, कहां रखा है, गलत होगा कि नहीं होगा तुम्हारा, नेगेटिव है ये, लेकिन कैसे सीखोगे, अब सीखने का तरीका समझो, ये जो पोल है ना वो तो ओरिजिन होता है, लेकिन ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस कैन ऑलवेज बी इंटरचेंज्ड, हाउ डू यू नो कि कौन सा प्लस है, हाउ डू यू नो, जिस साइड ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है वो, जिस साइड ऑब्जेक्ट है वो, तो अगर ये नेगेटिव तो ये positive. तो ये positive. ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं, तो ये negative. समझ में आ गया, yes, समझ में आ गया, yes, सबको आ गया, yes, हमने कहा चलो फिर अच्छी बात है, अगर आ गया तो क्वेश्चन चेंज, ये लो साले ये क्या हो गया, पुरा नहीं आया, कोई नहीं आएगा, आएगा ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मिरर कैसे, क्या मिरर ऐसे रखा जा सकता है, अब yes, मुझे बताओ यू पॉजिटिव कि नेगेटिव, ऊपर तो पॉजिटिव ही होता है, अबे ऐसा नहीं है, जिधर भी यू, अभी मजा आने वाला है ध्यान दीजिएगा, जिधर भी यू तो ये क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट इधर रखा है वो क्या हो गया हाइट, 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 ये क्या हो गया
ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा हो गया। 99.999% केस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी पड़ी तो एनटीएससी ओलंपियाड में पड़ेगी, उसके अलावा कहीं नहीं पढ़ने वाली है। बट क्या पता तो होना चाहिए ना, कोई मास्टर बोले अच्छा बेटा हमेशा निगेटिव होता है, लो बताओ, हाँ अभी भी निगेटिव है। बट इसको जानदार तरीके से ऐसे नहीं पढ़ते कि जहां ऑब्जेक्ट रखा है वो निगेटिव है। बिकॉज जब तुम थोड़े बड़े जाओगे, जब तुम आ जाओगे क्लास ट्वेल्थ में, तब तुम्हारा मास्टर तुम्हें कुछ और बताएगा और तुम बोले राहुल भाई ने गलत बताया था, तो दिस इज नॉट राइट, लेट मी टेल यू अ ब्यूटीफुल तरीका नाउ। क्या आप लोग को पता है ये कौन है? चीटा। चीटा नहीं साले, चीता नहीं है, चीटा है, चीता ही होगा सिला। चीटा ऑब्जर्वर कौन है? अब ऑब्जर्वर से पूछेंगे प्लस किधर माइनस किधर, सुनो ध्यान से। हमने ऑब्जर्वर से पूछा बेटा वो इंसिडेंट रे कहां जा रही हैं? मिरर के रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में इंसिडेंट रे कहां जाएंगी? इंसिडेंट रे कहां जाएंगी? फर्जी क्लास मेरी, ध्यान सुनिए, केवल मिरर से पूछना, अबे चीटे से पूछना है, चीटे मिरर की, मिरर की तरफ इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? अबे जहां ऑब्जेक्ट होगा वहीं से तो आएंगी। इंसिडेंट रेज कम फ्रॉम रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट इमेज, रिफ्लेक्टेड रे मीट एट इंसिडेंट रे कम फ्रॉम, जो नहीं बोलेगा थप्पड़ खाएगा, समझे तुम? यहां तक आया कि नहीं आया? तो हमने कहा भैया चीटे बताओ बेटा किधर जा रही है इंसिडेंट रेज? हमारे भाषा में ऐसे बोलते चमत्कारी रेज कहां से आ रही है। तो चीटा बोलता है भैया जी यहां से ऐसे आ रही है, बोला आ रही कि नहीं आ रही? आ रही नहीं। तो भैया जी जिधर जाए इंसिडेंट रेज वो पॉजिटिव, जिधर बोल से जिधर जाए इंसिडेंट रेज वो पॉजिटिव, जिधर से आए इंसिडेंट रे वो नेगेटिव। समझ आ गया? कितने तरीके से बोलने का तरीका ही तो है भाई, ऑब्जेक्ट जहां रखा होगा ऑटोमेटिकली निगेटिव होना ही होना है, क्योंकि वहां से कौन आने वाला है? इंसिडेंट रे। फंडा क्लियर हो गया? अपने आप लिख पाओगे? कि मुझे लिखवाने की जरूरत तो नहीं है? मैं लिखवाऊंगा ही नहीं बेटा, मजाक कर रहा हूं, लिख के लाना है, कल देखूंगा मैं। और अगर किसी ने मैच किया ना किसी की अंग्रेजी भी, तो पटक पटक के मारूंगा मैं। जो मैंने सिखाया है मैं फिर से बोल रहा हूं पूरा शुरुआत से, ठीक है भाई साहब? यू वी एफ एच आई एच ओ एम, ये सारे के सारे वेरिएबल हैं। पहला पॉइंट हो गया बिटिया, यहां देखो। दूसरा पॉइंट, ऑल दी डिस्टेंसेस आर मेजर फॉर्म फोकस, पोल पक्का ना? पोल। ऑल दी डिस्टेंसेस आर मेजर फॉर्म पोल, डिस्टेंस मेजर्ड अबव दी प्रिंसिपल एक्सिस आर बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस आर, भाई जी एक और बात, दिस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन दी लेफ्ट साइड, ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। छठा सातवां पॉइंट हो चुका है। तो भैया जी लेफ्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे इज ऑलवेज नेगेटिव। आ गया? Yes, इतना तो लिख के लाना है, इतना दिमाग में होना चाहिए। अगर रियल इमेज है तो एच आई क्या होगा? Negative. पक्की बात? Yes, अब एक एच ओ हमेशा क्या होगा? Negative. क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा होगा। आवाज नहीं आई? Yes, हमने कहा रुको रुको जरा, क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे। अच्छा सर, हमने कहा मैग्निफिकेशन अंकल तुम्हारा फॉर्मूला क्या है बे? एच आई बाय एच ओ, बोलो। फॉर एनी मिरर, फॉर एनी मिरर मैग्निफिकेशन इज लेट से प्लस पॉइंट फाइव, प्लस पॉइंट फाइव। पहले मुझे बताओ ये रियल, पहले बताओ ये अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज? अगर आता है आपको तो हाथ ऊपर कीजिएगा प्लीज। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वो रियल इमेज है या वर्चुअल? सोचो जो सिखाया, सोचो। अगर वो रियल इमेज है बता जस्कियत कैसे वर्चुअल? ऐसे बस ऐसे मैं झापड़। क्यों कहां पढ़ के आए पीछे? मैंने पढ़ाया नहीं कभी, मैंने कभी नहीं लिखवाया है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल। तो आई एम आस्किंग यू अगर एम पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल है, सच बोल रहे हो? कैसे और क्या बात, वेरी गुड। देख बहुत ध्यान सुन,
बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, मैग्निफिकेशन से पूछो फॉर्मूला क्या बे, तो बोला सर दो फॉर्मूले हैं मेरे, एक और भी है, वो बकवास है, वो ना काम आता है कैलकुलेशन में, और मैं किसी काम का नहीं हूं। मेन फॉर्मूला कौन है? मेन फॉर्मूला तो अंकल यही है, बोलो यस। हमने पूछा अच्छा एक बात बताओ रक्षिता मैडम, एक बात बताओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगी? हमेशा यानी डिनोमिनेटर हमेशा यस और नो? हमने कहा बेटा अगर वर्चुअल इमेज हुई तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन नहीं आया, नहीं आया। हमने कहा अच्छा अगर ऑब्जेक्ट, अबे ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होना है, बोलो यस। हमने कहा अच्छा अगर इमेज रियल हुई तो हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड। और वो कैसी होगी? ऊपर माइनस नीचे प्लस, फ्रैक्शन हमेशा। तो अगर मैं कहूं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं अब, कि सामने जो लिखा है प्लस 0.5 कौन सा मिरर है? अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज हाथ ऊपर कीजिएगा, प्लस 0.5 ये मिरर कौन सा है? केवल ये देख के बता देगा बच्चा, वर्चुअल बना रहा है, बोले यस। यानी कौन गायब हो गया? कौन सा बंदा गायब हो गया? वर्चुअल बना रहा है, कौन सा बंदा गायब हुआ? कोई गायब नहीं हुआ, तीनों वर्चुअल बनाते हैं, बोले यस। यस सर। लेकिन जो कौन केव वर्चुअल बनाता है वो हमेशा बड़ी होती है, यानी उसमें ये वैल्यू हमेशा वन से ज्यादा आई, बोलो यस। यस सर। जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज हमेशा बराबर बनाता है, तो यहां पर क्या आता है? वन। और जो कौन वैक्स अंकल हैं उनकी इमेज छोटी होती है, और क्योंकि इमेज छोटी होती है न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो वो क्या होता है? फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा, बोलना पड़ेगा। तो 0.5 बोलते ही आप जान गए ये मिरर कौन सा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक और देखते हैं, मैंने कहा -1 मैग्निफिकेशन -1 है, कौन सा मिरर है? सोचो प्लीज सोचो, क्यों? व्हाई नॉट कॉनवेक्स? पहली बात तो नेगेटिव है, मतलब रियल है, बोलो यस। किसी और की औकात ही नहीं रियल बनाने की, एक ही बना सकता है कौन? अगर मैग्निफिकेशन माइनस वन है तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है, तो कहां रखा ऑब्जेक्ट? तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन देख के तुम्हारा साथ ये है तेरा आंसर। इस लेवल का तुम्हें रे ऑप्टिक्स आना चाहिए, और मैं इस रिकॉर्डिंग की एक्सेस सबको दूंगा, ये आपको इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा। और मैं बताऊं तो अपने आप क्वेश्चन बनाया, चलो बता मैग्निफिकेशन की कोई वैल्यू बोल। -2 कौन सा मिरर है? पक्की बात है? अरे अभी तो कुछ भी नहीं, मैं पूछ लूं रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? ऑब्जेक्ट कहां रखा है ये दादा जान जाओ, मजा आ जाएगा। बताइए ये ऑब्जेक्ट -2 मतलब मैग्निफाइड बड़ा है ना, समझ 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 समझ। जब बेटा मैग्निफिकेशन ऐसे लिखा है HI/HO, तो अगर प्लस है तो वर्चुअल है, बोलिए यस। अगर माइनस है तो कौन है? रियल है, बोलिए यस और नो। अब समझ, रियल इमेज बनाने वाला की औकात केवल किसके पास है? वर्चुअल किसके पास है? तीनों के पास, वर्चुअल तीनों के पास। लेकिन जब कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज बनाता है तो वो हमेशा छोटी बनाता है, यानी न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो वो वैल्यू हमेशा वन से छोटी आएगी, डिमिनिश्ड, बोलो यस। यस सर। अब मैंने पूछा अगर वो वन से बड़ी आ रही है, अगर ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन से बड़ी आ रही है तब भी केवल एक ही इमेज बना सकता है, कौन? कॉनकेव। क्योंकि अगर मैं यहां बोलता +1.5 क्या ये प्लेन मिरर हो सकता है? क्योंकि प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा कितना आएगा? +1 क्या आएगा? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज इरेक्ट है तो बोलना पड़ेगा ज्यादा। कितने लोग की हवा निकल गई, हाथ ऊपर करो, बहुत लोग की निकल गई, शक्ल डालने को तो निकल गई, हाँ कोई बात नहीं, ज्यादा हो गया, एक दिन में इतना नहीं डालना है, पहले सबको फील आया हल्का फुल्का। अभी हमें बहुत एडवांस करना है इसको, जैसे इसने बोला ना -2, हमें यह भी आना चाहिए कि हम ये बता पाए कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है। बियॉन्ड, एक मिनट फिर से बोल, क्या बोल रही? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, सही बोल रही है वो।
बिकॉज बियॉन्ड सी द इमेज छोटी बनती है. बियॉन्ड सी द इमेज छोटी बनती है. इमेज बड़ी कब बनती है? जब वो सी और एफ. वेरी गुड. तो क्या है ये किसी किताब में नहीं है. तो किसी भी किताब, किसी भी लेवल की किताब पढ़ ले, ये सब लिखा ही नहीं है. लेकिन अगर आप थोड़ा फील करो तो आप अलग लेवल पे पहुंच सकते हो इस चैप्टर में. लेकिन कोई बात नहीं, जितना मैंने सिखाया वो आना चाहिए. क्या क्या? ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखना है? लेफ्ट में. बोलो यार, लेफ्ट में. यू हमेशा क्या होगा? क्या होगा? एच ओ हमेशा क्या होगा? अगर रियल इमेज है तो एच आई हमेशा क्या होगा? अगर वर्चुअल इमेज है तो एच आई क्या होगा? अगर वर्चुअल इमेज है तो वी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव. क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा कहां बनती है? मिरर के पीछे. सब खत्म यार, और कुछ पढ़ने जाते नहीं है. कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन तेरे को आता है. देख, इतना लंबा क्वेश्चन डराने के लिए दिया जानबूझ के. हम एक क्वेश्चन करेंगे, जितना मैंने पढ़ाया है आराम से करना. टेक 5 मिनट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विच ओनली रिक्वायर्स 1 मिनट. ट्राई करो. लेकिन जब भी ऐसे बोल दिया, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, रियल, कौन सा मिरर? क्वेश्चन खत्म. वहीं पे लेट गया क्वेश्चन, है कि नहीं? yes, यही सिखाना है बेटा. सबसे पहले क्या लिखना है? यू वी एफ एच ओ एच आई एम. सिखाया था ना मैंने? यही लिखना है यार, खत्म. क्वेश्चन यही लिखना है बेटा. पहले सुनो हिंदी में, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30. कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर. कहां रखी है कैंडल फ्लेम? फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर. यानी स्क्रीन कहां रखी है? 60 सेंटीमीटर पर. स्क्रीन 60 सेंटीमीटर पर रखी है तो वो क्या हो गया? लेकिन क्योंकि वो रियल इमेज है तो क्या हो गया? -60 सेंटीमीटर. माइनस साइन क्यों आया? माइनस ड्यू टू रियल इमेज. बोलना पड़ेगा. यू कितना दे रखा है? -30 सेंटीमीटर. तुम्हें नहीं आया? कितने लोगों ने तुक्के से ये सही लिया था? तुक्के से. हाँ, तुक्के से लिया था. लेकिन अब आप मान रहे हैं कि तुक्के से लिया था? ये जो -30 और -60 अगर आपने तुक्के से लिया तो कोई बात नहीं. अंग्रेजी सुधारो. और अंग्रेजी ना भी सुधार पाओ बहुत मुश्किल है. तो आपको करना क्या है? जो कुछ लिखा है उसको पूरा पढ़ो. मैं इतना नहीं आधा सेंटेंस पढ़ा और फिर मैंने कहा यही सही है. सही, जबकि पूरा पढ़ने के बाद क्या पता चला? जो मैं बोला था वही सही था. स्टेटमेंट पूरा पढ़ो तभी अंग्रेजी ये वैल्यू लिखना चालू करो. अब यू और वी पता चल गया तो एफ निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सबको आता है? झूठ बोलते हो तुम लोग. 1/f = 1/v + 1/u. आहा, -1/60 - 1/30 एलसीएम 60. अजी, -1 + 2 -1 - 2 -3/60 -1/20 1/f. f की वैल्यू -20 सेंटीमीटर. देयरफोर कॉन केव मिरर. चुप रहो. सबको आया? yes, sir. अगला, हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4. क्या दिया हुआ है? +2.4 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज. फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू. एच आई दे रखा है सर, निकालना है. एच ओ दे रखा है सर, हाँ, इज इक्वल टू माइनस. वी कितना दे रखा है? यू कितना दे रखा है? माइनस ने माइनस को 30 - 30 -2. बोला आया? तो व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज? हाइट ऑफ इमेज इज -2 × 2.4. कितना हो गया? -4.8 सेंटीमीटर. माइनस साइन का मतलब इमेज कैसी है? इन्वर्टेड. तो कैसी होगी? अबे वो रियल है इसलिए इन्वर्टेड है. मतलब रियल तो दे रखा है ना क्वेश्चन में. कहां दिया रियल? इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. अगर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज ऑलवेज फंडा. और रियल है तो कैसी होगी? यानी एच आई हमेशा निगेटिव आना आया. क्या रियल है तो फोकस हमेशा
नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, आनी चाहिए, बोलो। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर यू वी एफ हैव डायरेक्शन ऑल्सो माई डियर। अ डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट बोलना गलत जाएगा आप, क्योंकि अभी तो ये खड़े हैं भाई साहब, 11th में दौड़, 12th में दौड़ने लगते हैं। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 meters per second, बताओ इमेज की स्पीड कितनी है? वो भी आएगा, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का मैं एडवांस में रखूंगा आप लोगों को, 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, 1 दिन एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, उनको सब सिखा दूंगा,